नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुमार सोलो यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको लेके आए हैं कोयला मूवी की शूटिंग लोकेशन के ऊपर। दोस्तों 1997 के अंदर ये कोयला मूवी रिलीज हुई थी और शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और अमरीश पुरी की फिल्म थी। तो इस फिल्म के अंदर जो राजा साहब की हवेली बताया गया है वो हवेली राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के सामोद गाँव के अंदर एक सामोद पैलेस है, राजा साहब की हवेली को इसी जगह की बताया गया है। तो हम उस लोकेशन के ऊपर पहुँच चुके हैं और यहाँ से बहुत से सीन लिए गए हैं, फाइटिंग के सीन वगैरह लिए गए हैं। तो हम आपको प्रॉपरली वो लोकेशन वगैरह दिखाते हैं। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि कोयला मूवी की शूटिंग लोकेशन अभी तक किसी ने डाली नहीं है, फर्स्ट टाइम हम ही ये कोयला मूवी की शूटिंग लोकेशन डाल रहे हैं। वैसे तो बहुत सी मूवीज़ की शूटिंग लोकेशन अवेलेबल है यूट्यूब पर, बट ये कोयला मूवी की शूटिंग लोकेशन सबसे पहले हम ही डाल रहे हैं। तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो अभी मैं आपको प्रॉपर लोकेशन दिखाता हूँ और स्क्रीनशॉट डाल दूंगा तो आप प्रॉपरली समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पे लोकेशन ली गई है वो लोकेशन है ये, आप सामोद पैलेस का आप गेट देख सकते हैं। तो जब अशोक है जो जाता रहता है उस तांगे के ऊपर बैठ के, तो वो जो तांगा जाता रहता है वो यहाँ से जाता रहता है, ठीक है, इधर से वो तांगा जाता रहता है, उसी के ऊपर अशोक पीछे मुंह करके बैठा रहता है और वो मंदिर का सीन भी दिखता है उसके अंदर, तो वो देख लेना। इसके बाद शाहरुख खान है जो उसको आवाज़ लगाता है ऊपर से, उस जो पहाड़ के ऊपर से जो आवाज़ लगाता है वो लगाता है वहाँ से, जस्ट वहाँ से शाहरुख खान उस अशोक का आवाज़ लगाता है ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। उसके बाद उस तांगे को यहाँ पे रोक दिया जाता है, अशोक उस तांगे को यहाँ पे रुकवा लेता है और शाहरुख खान इस चट्टान के ऊपर कूद के, इस चट्टान के ऊपर कूदता है, ये आप चट्टान देख सकते हैं, इसी चट्टान के ऊपर कूदता है, आप स्क्रीनशॉट देख लेना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से कूद के वो यहाँ पे आता है और वो तांगा यहाँ पे खड़ा रहता है और अशोक भी नीचे उतर जाता है तांगे से और शाहरुख खान दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद जब दोस्तों यहाँ पे शाहरुख खान यानी करण यहाँ पे रहता है और वो अशोक दोनों यहाँ पे रुक जाते हैं और पूछते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो शाहरुख खान कुछ समझाता है बट अशोक है वो समझ नहीं पाता है क्योंकि शाहरुख खान तो बोल नहीं सकता था उस फिल्म के अंदर। तो शाहरुख खान क्या करता है, करण क्या करता है, इसी चट्टान से, ये आप देख रहे हैं, इसी चट्टान से यहाँ से कुछ पत्थर तोड़ता है, यहाँ पे इसी जगह से पत्थर तोड़ता है, आप स्क्रीनशॉट के अंदर देख लेना, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से पत्थर तोड़ के और यहाँ पे कुछ लिखता है शाहरुख खान यानी कि करण, यहाँ पे लिखता है उस पत्थर से कि तुम्हारी बहन की शादी एक धोखा है और तुम उसे यहाँ से ले जाओ, वो यहाँ पे ये लिखता है। तो दोस्तों वो जो सीन लिए गए हैं यहाँ से, वो सीन लिए गए हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस मंदिर की भी कुछ लोकेशन आती है और ये आप देख सकते हैं सामोद पैलेस का गेट है। और दोस्तों एक सीन यहाँ से लिया गया है, इसी जगह कैमरा एंगल किया गया था, ये दीवार इसी प्रकार से रहती है और ये भी आप स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं। और वो जो तीन मोटरसाइकिल आती है एक साथ, वो इधर से आती है, वो तीनों मोटरसाइकिलें, ठीक है, और यहाँ पे पानी बहता रहता है, ऊपर से पानी आता है तो यहाँ पे पानी बहता रहता है और वो गाड़ियाँ क्या है फिसल के आती है, इधर से फिसल के आती है, तो वो इसी जगह का सीन लिया गया है, आप देख सकते हैं प्रॉपर इसी जगह का वो सीन है, वो पानी आता रहता है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर लेना। दोस्तों मूवी के अंदर एक सीन ऐसा आता है जब शाहरुख खान मोटरसाइकिल के ऊपर उस लोकेशन से आता है उधर से, ठीक है, और जैसे वो उधर आता रहता है तो एक राजा साहब का आदमी मोटरसाइकिल से यहाँ से छलांग लगाता है ऊपर पहाड़ से, वो लोकेशन ली गई थी और वो दोनों गाड़ी जो टकराती है यहाँ पे टकराती है और इधर से पानी आता रहता है और वो गाड़ी पानी के अंदर इधर से फिसल के जाती है, इधर से फिसल के जाती है, तो वो सीन यहाँ से लिया गया, बिल्कुल इसी प्रकार से लिया गया, इसी प्रकार से कैमरे को एंगल किया गया था, यहाँ पे शाहरुख खान माधुरी दीक्षित को पीछे बिठा के लाता रहता है और पीछे से राजा साहब के आदमी आते रहते हैं, तो इसी जगह की वो लोकेशन है, ये आप देख लो आप। दोस्तों मूवी के अंदर एक सीन इस प्रकार से लिया गया है, उधर से शाहरुख खान मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के आता है माधुरी दीक्षित को पीछे बिठा के और पीछे से राजा साहब के आदमी आते रहते हैं, तो वो सीन वहाँ पे यहाँ से लिया गया है। और ये सामोद पैलेस आप देख सकते हैं, ये रास्ता इसी प्रकार से देख सकते हैं और ये मंदिर की गुंबद दिख रही है, ठीक है, तो कैमरा कुछ इस प्रकार से एंगल किया गया था, सामने सूरज है तो थोड़ी लोकेशन अच्छे से नहीं आ रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसी प्रकार से वो लोकेशन ली गई थी, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा तो आप प्रॉपरली समझ जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों जो वो मोटरसाइकिल है ऊपर से उड़ के आती है वो सीन भी यहाँ से लिया गया है, ये पोल देख लेना आप, बिजली का पोल, वो तार वगैरह सब कुछ मैच कर लेना और इधर से वो निकल के आती है, ठीक है, तो इस जगह का वो सीन लिया गया है। पीछे पहाड़ है बट वो प्रॉपर दिख नहीं पा रहा, बट पीछे पहाड़ है, ठीक है,
तो ये लोकेशन भी आप देख लो, ये भी यहाँ सामोद पैलेस की ही है। और दोस्तों जो वो मोटरसाइकिल है ऊपर उछल के वो जो कि पानी के अंदर जो जाके गिरती है, तो वो लोकेशन अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो पानी के अंदर कहाँ पे जाके गिरती है। तो ये आप पेड़ देख लेना, बरगद का पेड़, यहाँ पे पानी रहता है भरा हुआ, इधर से पानी आता रहता है और इस जगह बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है उस टाइम के अंदर, और इसी यहाँ पे पानी के अंदर वो आके गिरती है। अभी भी थोड़ा बहुत पानी है बट उतना ज़्यादा पानी नहीं है, तो इसी जगह वो आके मोटरसाइकिलें गिरती है। ठीक है, तो ये यहाँ का सीन है। और बैक कैमरे से और थोड़ा मैं आपको प्रॉपरली दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप देख लो लोकेशन, अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे पानी रहता है पूरा, इसके अंदर पानी भरा रहता है और इसी के अंदर वो आके गिरती है वो मोटरसाइकिलें। ठीक है, तो इसी जगह से वो लोकेशन शूट की गई थी। तो एक लोकेशन यहाँ से भी ली गई है, जब शाहरुख खान माधुरी दीक्षित वो मोटरसाइकिल के ऊपर बिठाए रखता है और वो मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी होती है आके। ठीक है, यहाँ पे खड़ी होती है, वो पीछे वो रास्ता देख सकते हैं और ये दीवार देख सकते हैं। तो वो ये लोकेशन है, ये इधर वो पानी वाला लोकेशन है। दोस्तों एक लोकेशन इस गेट की भी ली गई है, जब इस गेट को, ये गेट बंद होता रहता है, इसके दरवाजे बंद होते रहते हैं और शाहरुख खान उस मोटरसाइकिल को इस गेट के बीच से निकाल के लेके जाता है। वो बिजली का पोल यहाँ पे आप देख लेना, और ये पर्वत है, पहाड़ है जो ये आप देख लेना। ठीक है, और गेट भी प्रॉपर वो ये ही गेट है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार, ये आप देख सकते हैं। ये वो लोकेशन है दोस्तों, कोयला मूवी के अंदर जो राजा साहब की हवेली बताई गई है, तो ये हवेली वही है, सामोद पैलेस आप देख सकते हैं मेरे सामने। और इस गेट की भी कुछ लोकेशन आती है मूवी के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं। और बहुत ही शानदार नज़ारा है, पहाड़ों के बीच में बसी हुई है ये पैलेस, बहुत ही शानदार नज़ारा। और जो राजा साहब की हवेली होती है वो यही हवेली होती है, और मैं अभी पहाड़ के ऊपर हूँ, अंदर जाने का कॉस्टली चार्जेस है तो हम अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, तो दोस्तों यही थी कोयला मूवी की लोकेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ कोयला मूवी की लोकेशन अभी किसी ने भी नहीं डाली है, फर्स्ट टाइम ये कोयला मूवी की लोकेशन हम ही डाल रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करना। और भी मूवीज़ की लोकेशन अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे वीडियोज़ वगैरह आप देख सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं आप कौन सी मूवी की लोकेशन वगैरह देखने से देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।